नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से HRI न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में एक एक करके चलेंगे जानेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे इसी वीडियो में सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल HRI न्यूज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बड़ा बयान, कहा किसी का इस्तेमाल करके फेंको मत। अपने बयान को लेकर के एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अपने बयानों को लेकर के अक्सर खबरों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पिछले सप्ताह बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। तब से गडकरी के कई बयान सुर्खियों में आ चुके हैं। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि किसी को भी इस्तेमाल करो और फेंक दो के चलन में शामिल नहीं होना चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक आदमी का अंत तब नहीं होता है जब वह हारता है, लेकिन जब वह मैदान छोड़ देता है तब समाप्त हो जाता है। बीजेपी आलाकमान के द्वारा पार्टी में कद छोटा किए जाने के आरोपों के बीच चर्चा में आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि किसी का फायदा उठा करके उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, एक बार जब आप किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसके साथ ही गडकरी ने याद किया है कि जब वह एक छात्र नेता थे तब कांग्रेस के नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने तब श्रीकांत से कहा कि मैं कुएं में कूद करके मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। ये यहां पर सोशल मीडिया पर एक और बयान वायरल हुआ है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। अक्टूबर महीने में इस दिन होगी वोटिंग, काउंटिंग की डेट भी कांग्रेस पार्टी ने कर दी है घोषित। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख अब तय हो गई है। 17 अक्टूबर को पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए वोटिंग होनी है और वहीं 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई थी। इसमें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। और इस वर्चुअल बैठक में अब पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और वहीं बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई दिग्गज नेताओं के द्वारा सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी से दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का आग्रह यहां पर किया जा चुका है। हालांकि इस मुद्दे पर अनिश्चितता लगातार बरकरार है और वहीं अब यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष के पद की रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और वहीं उसके बाद यहां पर प्रियंका गांधी का भी नाम कुछ नेताओं ने आगे बढ़ाया है कि उनको कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाया जाए, इससे पार्टी मजबूत होगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, आपके अनुसार कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष किसको बनाया जाना चाहिए? आप लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। एक और अपडेट इस बीच जान लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा का बड़ा बयान, पूर्ण बहुमत से बनेगी मेघालय में हमारी सरकार, चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ा है। बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने कहा है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी इस वक्त देश की गिनी चुनी कुछ चुनिंदा राजनीतिक पार्टियों में से एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की कड़ी मेहनत शामिल है। आने वाले चुनावी दिनों में नेशनल पीपुल्स पार्टी सिर्फ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पार्टी नहीं रहेगी बल्कि वह देश के सभी प्रमुख राज्यों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। रही बात मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनावों में गठबंधन की, तो यह तय हुआ है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनावों से पहले किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उससे भी यहां पर गठबंधन नहीं किया जाएगा विधानसभा के चुनाव में। ये यहां पर मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने बीजेपी से चुनाव से पूर्व गठबंधन तोड़ दिया है। एक और खबर बताते चले आप लोगों को,
बिहार के सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे तेज प्रताप यादव, कहा लाल किला पर झंडा फहराएंगे चाचा। खबर बताते चलें, महागठबंधन के साथ जाते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में अब राज्य के मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चाचा नीतीश कुमार गांधी मैदान के बाद लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना हमारा दायित्व तो है, आखिर वह हमारे चाचा हैं। उन्होंने कहा है कि भतीजा होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाएं। देश की आन बान शान लाल किले पर नीतीश कुमार एक दिन तिरंगा जरूर फहराएंगे। इसके लिए जो भी जरूरत होगी वह हम लोग करेंगे। महागठबंधन की सरकार है, सब लोग साथ में हैं। ये यहाँ पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान आया है सामने। एक और अपडेट जान लेते हैं। अपने ही नेताओं को टोपी पहना दी, अखिलेश यादव से भाजपा को लेकर के पूछा गया सवाल, तो ऐसे दिया है जवाब। क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर के हमला बोला है, गंभीर आरोप लगाए हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में भाजपा सरकार के दौरान जबरदस्त भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी और अपराध लगातार बढ़ रहा है। और वहीं अखिलेश यादव ने टोपी को लेकर के भी भाजपा पर तंज कसा है। अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि आपके विपक्षी समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के मसले पर घेरने में सफल हो जाते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो यूपी में कोई भी घटना होती थी तो मेरी फोटो लगाई जाती थी, लेकिन क्या कमाल है, बीजेपी का किसी घटना पर मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लग सकती है। और इसके साथ ही ईडी सीबीआई को लेकर के जब एक यहां पर पत्रकार ने सवाल पूछा कि बिहार में ईडी सीबीआई एक्टिव हो गई है तो क्या आपको डर नहीं लगता है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरी तो पहले ही जांच हो चुकी है, इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता है। दोबारा जांच हो जाएगी तो क्या हुआ, मेरे सारे पेपर ठीक हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी मुझे बताए किसी उद्योगपति को 1000 करोड़ का फायदा पहुंचाना रेवड़ी है या किसी गरीब को लैपटॉप देना रेवड़ी है। ये यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। एक और खबर आ रही है सामने, सोनाली फोगाट केस की जांच कर सकती है सीबीआई। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी आपत्ति नहीं है। 3 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। खबर बताते चलें, सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने आज 3 आरोपियों को मापुसा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सभी औपचारिकताओं के बाद अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। सरकार को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की खबरों के बीच आप लोगों को बताते चलें, सोनाली फोगाट के परिवार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और उनसे मांग की थी कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह इस मामले में गोवा के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और यहां पर अब गोवा के मुख्यमंत्री का बयान आया है, उनका कहना है कि उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि अगर पूरे मामले की सीबीआई जांच होती है तो। ये यहां पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं एचआरआई न्यूज के माध्यम से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।